एंड वेलकम टू दुबे जी की गाड़ी। आज हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है यूजर एक्सपीरियंस, जिसकी शुरुआत तो मैं करूंगा अपनी ही गाड़ी से। और इस सारे इन्फॉर्मेशन को देने के लिए आज मेरे साथ है अमे। अब बताइए अपने बारे में थोड़ी चीजें और गाड़ी के बारे में थोड़ी चीजें। अजय दुबे। और मैं अर्षा दुबे। ये हमारी गाड़ी ऑल्टो 800 है, LXI मॉडल 2013 की है। ने जब ये गाड़ी ली थी तो उस टाइम आपने और कौन सी गाड़ियों को कंसिडर किया था एज कॉम्पिटिशन? उस टाइम केवल मारुति और होंडे दो ही गाड़ियाँ ऑप्शन में जाने चुकी थी, क्योंकि उस समय मारुति का बोलबाला था और उस समय कोई यूट्यूब या कुछ ऐसी जानकारी देने वाली चीज नहीं थी जिससे कि हमें गाड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी, इसलिए हमारे पास केवल ऑल्टो 800 या वैगनआर दो ही चीज दिखती थी। भी आई थिंक एक ऑप्शन थी, लेकिन यौन उस समय मार्केट में बहुत कम रहती थी, इसलिए यौन पे ज्यादा वो विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसलिए आपने जैसे ऑल्टो के ऊपर विश्वास किया, तो आज तक आपने इसको कितना किलोमीटर चला लिया है? तक हमने इसको 150,000 किलोमीटर चला चुके हैं। ऑलमोस्ट गाड़ी की पूरी वैल्यू तो वसूली ली है, तो अगर आपकी इतनी ज्यादा रनिंग है या आपने इतनी ज्यादा चलाई है, तो आप डेली कितनी गाड़ी चलाते हैं? कम से कम 120 किलोमीटर पर डे। 120 चला रहे हैं, मतलब आपकी ड्राइविंग तो काफी हाई है। वहाँ पे आपके लिए CNG एक ऑप्शन है, जो मैं देख सकता हूँ कि आपने आफ्टर मार्केट CNG लगाई हुई है। तो आपने आफ्टर मार्केट CNG किस साल में लगाई थी? 2018 में। और उस टाइम तक लगभग आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चली थी? 50,000 चल चुकी थी। आपने लगभग 1,00,000 तो आपने CNG में ही गाड़ी चला दी है, तो ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि गाड़ी की रेट तो आपने CNG से ही वसूल कर लिया है। तो अगर हम बात करते हैं कि CNG का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? वो एक्सपीरियंस मिला जुला है, कभी अच्छा भी मिला है, कभी खराब बुरा एक्सपीरियंस भी रहा। अच्छा एक्सपीरियंस जब जेब पे भारी हल्की पड़ती है तब अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन जब मेंटेनेंस आती है तो जब वो खराब एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर हम जेब की बात करते हैं तो CNG में आपको आखिर माइलेज कितना मिल रहा है? माइलेज अगर मैं हाईवे पे जाता हूँ तो 30 का माइलेज मिलता है, लेकिन अगर सिटी साइड में घूमता हूँ तो 25 से 26 के बीच का माइलेज आती है। माइलेज तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, माइलेज में कोई दिक्कत नहीं। तो CNG की प्राइसेस हाई हुए हैं, वरना पहले के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपको माइलेज तो काफी अच्छा मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं पेट्रोल में, तो वहाँ पे आपको कैसा माइलेज मिलता? मैं एक्चुअल जो सिटी साइड में अगर सिटी में जाता हूँ तो सिटी में 15 के आसपास माइलेज आती है, काफी अच्छी है। और अगर हाईवे की बात, मैं गाड़ी CNG चलाता हूँ, मुझे महंगी लगती है। तो हम बात करते CNG की, तो आपको क्या लगता है CNG की सबसे बड़ी नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव अगर आफ्टर मार्केट आप CNG लेते हो तो सबसे बड़ी नेगेटिव है कि इसका मेंटेनेंस तो आती है गाड़ी का, वो बहुत ज्यादा आता है, गाड़ी में पिकअप नहीं आती। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम CNG का है बूट स्पेस का। अगर हम ये सिलेंडर लगा लेते हैं तो फिर हमारे पास बूट स्पेस लगभग खत्म ही हो जाता है। तो जैसा आपने बोला कि बूट स्पेस तो खत्म हो जाता है, लेकिन आप इतना किलोमीटर चलाएं तो क्या अभी तक आप इसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए हैं? इसको लॉन्ग ड्राइव पे लाया है। हमारा जो नेटिव है करीब 1700 किलोमीटर दूर है, और हम साल में अप्रोक्स 2 बार तो यही गाड़ी लेकर हम झारखंड जाते हैं। तक आप गए, आप और किन किन इलाकों में इस गाड़ी को लेके जा चुके हैं? मैं इसको झारखंड में ले गए हैं, यूपी बनारस में ले गए हैं, बिहार में ले गए हैं। मैंने काफी एरिया तो कवर किया है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि बूट स्पेस तो है नहीं, तो आप अपना सामान कैसे रखते हैं? की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है उस स्पेस की? तो नहीं, अभी थोड़ी दिक्कत तो होती है। अगर हम बूट स्पेस की बात छोड़ भी दें, नॉर्मल बैठने की जगह की बात करें, तो आपको क्या कंफर्ट लेवल ठीक है स्पेस? थोड़ा कम है उतना, जैसे हमने स्टार्टिंग में सोचा था जब हमने गाड़ी लिया था उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया था कि क्या है, लेकिन जब हमने डेली यूज में लिए तो हमें पता चला कि इसमें क्या क्या और कमियां हैं। तो जो स्पेस है, स्पेस थोड़ा कम है। वो गाड़ी एक्चुअल 5 सीटर नहीं है, 4 सीटर ही है, जो 4-4 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 5 लोगों से दिक्कत है गाड़ी में बैठने की। इससे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर मेरे पीछे कोई बैठता है तो उसके लिए वो 4 सीटर गाड़ी भी नहीं रह जाती है। ये तो स्पेस की बात। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मारुति मतलब रिलायबिलिटी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर हम पेट्रोल की केवल बात करते हैं, पेट्रोल में गाड़ी बहुत रिलायबल है, क्योंकि इसको हमने लगातार नॉन स्टॉप 1000 किलोमीटर भी चलाया है, और गाड़ी बहुत अच्छी परफॉर्म की है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती लॉन्ग रूट के अंदर इस गाड़ी के अंदर। तो अगर हम CNG इंक्लूड कर देते हैं, उसके बाद आपके गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? एक प्रॉब्लम से जो मेजर इशू है पिकअप का है, वो पिकअप गाड़ी जल्दी लेती नहीं है।
मतलब वही एसी बंद करके स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड नहीं, एसी बंद करने का थोड़ा सा लेती है लेकिन फिर भी इस गाड़ी में और सारे ब्रेकर पे बंद होती है। नहीं वो तो जब कभी सीएनजी की सेटिंग बराबर नहीं रहती तो होती है, ये प्रॉब्लम तो है इसमें। मार्केट सीएनजी के साइड मतलब सीएनजी से उतने ज्यादा खुश तो नहीं, जेब देखता हूँ तो खुश रहता हूँ। अगर फ्लैट रोड पे चलना हो तो फिर ठीक है, पर जैसे ही हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो फिर हमें सीएनजी बंद करके फिर हमें पेट्रोल वर्जन में ही चलाना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं पेट्रोल वर्जन की तो क्या आप इस गाड़ी से खुश हैं? पेट्रोल में खुश हैं, पेट्रोल में। अगर आपने अब तक ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी है तो अगर हम इसके पॉजिटिव्स के बारे में आपसे पूछें तो आपको क्या क्या पॉजिटिव सबसे ज्यादा लगते हैं इस गाड़ी के बारे में? सबसे है कि गाड़ी रिलायबल है किसी भी सड़क पे, कम से कम रास्ते में छोटे से छोटी जगह भी आराम से निकल जाती है, कहीं भी इसे पार्क कर सकते हैं। और सबसे है लॉर्ड ऑल्टो, तो आप कहीं भी लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो छोटे दुकान वाले भी ठीक कर देते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक कुत्ता भिड़ गया था मेरे हाईवे पे, तो पूरे आगे का टूट गया था, मुझे लगा था मैं घर पहुंच ही नहीं पाऊंगा, लेकिन वहाँ पे लोकल थे बनाने वाले, उन्होंने बना के मुझे भेज दिया, फिर मैं वापस 3,000 किलोमीटर चला के वापस आ गया इसको लेकर। मतलब रिलायबिलिटी तो है। आप एक और पॉइंट भूल गए हैं, माइलेज। माइलेज में माइलेज भी अच्छी है क्योंकि हाईवे पे अगर आप पेट्रोल पे चलाते हो, अभी जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनमें सबसे अच्छा माइलेज इसका है। हाईवे पे अप्रोक्स ये 20 से 22 का माइलेज देती है पेट्रोल पे। ये वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गाड़ी जो ऐसे ग्राउंड क्लियरेंस दिखती है ना वो कम दिखती है, लेकिन किसी भी गड्ढे में फंसती नहीं क्योंकि इसकी साइज भी है, तो साइज के अनुसार जो व्हील बेस काफी कम है, व्हील बेस कम है इसके लिए किसी भी खराब तौर पे गड्ढे कितनी बड़ी गड्ढे उसमें तो बड़ी आराम से निकल जाती है। दूसरी गाड़ी वही आगे पीछे से चिपक जाती है, वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ रहती है, इसका सबसे बड़ा फायदा है छोटी गाड़ी का होने का। ये पॉजिटिव तो इससे तो लोग इसे पॉजिटिव तो इससे तो लोग इसे लद्दाख लेके जाते हैं। नहीं कच करते, चाहे आप गांव में ले जाओ, शहर में ले जाओ, किसी खराब रास्ते में ले जाओ, आराम से जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं, आपने चला तो लिया 1,50,000 पॉजिटिव तो सब बताते हैं, नेगेटिव आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। तो इस गाड़ी के साथ आपको क्या क्या नेगेटिव में सबसे बड़ा जो नेगेटिव इसका है, इसका बॉडी पार्ट्स जो है ना गाड़ी का वो बहुत खराब है क्योंकि इसमें हमेशा कहीं ना कहीं रस्टिंग होना चालू हो गया है। पूरी गाड़ी में बोनेट आप खोलोगे तो बोनेट के अंदर रस्टिंग दिखाई देगा, कहीं कहीं और भी पीछे गेट अपने आप फटने लग रहा है। इसकी सबसे है दोनों साइड गेट में एक जगह ही दोनों साइड में चला गया है, तो ये तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है उसके कारण ये पूरा दोनों साइड का गेट एक तरह एक साथ चला गया, मतलब दोनों साइड में सेम लोकेशन पे रस्टिंग है। उसके अलावा और क्या नेगेटिव आपको गाड़ी के साथ लगते हैं? गाड़ी के साथ इसमें गाड़ी में आवाज आती है, जैसे धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाता है तो गाड़ी के गेट में से आवाज आएगा, ऊपर से आवाज आता है, गाड़ी में से हमेशा म्यूजल आवाज साउंड आती रहती है, और खासकर खराब गाड़ी बज रही है, खराब सड़कों पर जाती करते सड़कों पर तो नहीं आपको पता चलेगा, लेकिन आप जब से सड़क पर जाओगे तो आपको पता चल रहा है कि क्या है क्या। व्हील साइज तो इसका छोटा है, काफी छोटा है, और ये हमको खराब सड़कों पे मजा नहीं करता। एक बार आप रहना चाहिए, इतना कम छोटा नहीं रहना चाहिए, काफी छोटा है व्हील साइज, क्योंकि कभी थोड़ा बहुत खराब सड़कों पे जाने में थोड़ा सा डाउट मन में रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, और खराब सड़कों पे मेन फील करता है अंदर गाड़ी, सस्पेंशन उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी होती है इस गाड़ी की। और कोई नेगेटिव? सेफ्टी तो बहुत बड़ी नेगेटिव, सेफ्टी तो आई नहीं है। आपके साथ कोई एक्सपीरियंस आज तक ऐसा हुआ है जिसमें आपको इसकी सेफ्टी के ऊपर डाउट गया? एक मैं गाड़ी पे ब्रेक लगा के खड़ा कर दिया था, एक आगे से हल्की सी 2 या 3 की स्पीड पे गाड़ी एक बैक हुई और वो टकरा गई और ये गाड़ी का बोनेट घूम गया पूरा, और बोनेट ही नहीं लाइट भी निकल गया, वो तो खराब है। तो आज आपने इतना यूज कर लिया है तो इसके बाद आप इसे रिकमेंड करना चाहेंगे कि ये गाड़ी पेट्रोल में खरीदे या फिर अगर फैक्ट्री फिटेड सीएनजी आफ्टर मार्केट सीएनजी के साथ भी अवेलेबल है तो किसी ये गाड़ी लेनी चाहिए? क्योंकि रनिंग ज्यादा और सिटी में रहते हो, सिटी वाले लोगों के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, जो आप पार्किंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, तो आप ये गाड़ी को कहीं भी आराम से पार्क कर सकते हैं। या गाँव में भी आप है ना तो वहाँ भी गाड़ी आराम से चल सकती है क्योंकि ज्यादा मेंटेनेंस नहीं आता, मेंटेनेंस आने तो लोकल जो बनाने वाले हैं वो सब बना देते हैं गाड़ी, तो वहाँ भी आराम से जा सकती है गाड़ी। मतलब जिनकी रनिंग
बहुत ज्यादा है, ये सिटी में है, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। जो स्लो स्पीड में ज्यादा चल रहे हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। काफी बजट फ्रेंडली गाड़ी है, तो जिसको अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी अगर वो चूज करना चाहे उसके लिए बेटर ऑप्शन है। श्री पेट्रोल में रिलायबिलिटी भी अच्छी रहेगी। नहीं, अभी जो कंप्लीटेड सीएनजी आ रही है उसकी रिलायबिलिटी अच्छी है। बात करें कि आपको हम तीन पैरामीटर्स देते हैं, अनसैटिस्फाइड कस्टमर, न्यूट्रल कस्टमर या फिर हाईली सैटिस्फाइड कस्टमर। आप अपने आप को कहाँ रखना है? हाईली सैटिस्फाइड। और आप? हाईली सैटिस्फाइड। हाँ, वो तो हमारी गलती है कि हमने सीएनजी लगवाया, वो भी आपको मार्केट, वरना जब तक ये पेट्रोल में बहुत अच्छी चल रही है तो हमारे लिए गाड़ी अच्छी है। और 10 साल हो गए पर गाड़ी ने कभी हमें धोखा नहीं दिया और अभी भी हम तीन चलते हैं और तीनों सुरक्षित है। अब फाइनल बात कि आखिर कब तक इस गाड़ी का आप रखने के बारे में सोच रहे हैं? अभी जल्दी जाने वाली है। तो जैसा पापा ने बोला कि गाड़ी अब जल्दी ही जाने वाली है, तो ये बात सही है। इसका टाइम पूरा हो चुका है और अब एक नई गाड़ी जल्दी आने वाली है, उसके लिए भी व्लॉग आएगा। तो वो कौन सी वो गाड़ी है वो जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दें।